गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर में थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे। देखते हैं ये क्या होता है। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन डायमेंशंस आएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इनके साथ ये z एक्सिस है। थ्री डायमेंशनल को इस तरह से देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एक पॉइंट P लेते हैं, x कॉमा y कॉमा z। ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, 0, 0, 0 इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको x को हमें x कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, x को x कोऑर्डिनेट, y को y कोऑर्डिनेट एंड z को z कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट को 3D में जब प्रेजेंट करना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखते हैं, x कॉमा y कॉमा z। हम देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, 2D और 3D में क्या डिफरेंस। देखिए आप, 2D एक प्लेन होता है, जैसे कि ये बोर्ड एक प्लेन है, इसको इस तरह से आपने डिवाइड किया था तो ये बोर्ड को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस जगह पे जब हम पॉइंट कोई भी लेते थे तो वो एक्स कॉमा वाई होता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए इसका साइन स्कीम प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। इस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू डायमेंशंस में होता था और इसे हम लोग क्वाड्रेंट बोलते थे, क्योंकि ये चार भागों में डिवाइड किया। तो आप सोचिए कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को चार भागों में बांटेंगे तो समझिए इस तरह से आपका ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम z एक्सिस कर देंगे तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये अब आपका z एक्सिस हो गया। तो इसने पूरे स्पेस को कितने भागों में डिवाइड किया, तो आप इधर से देखिए 1, 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4, इन चारों में ही ये z प्लस है, ठीक है। अब जहां आप फर्स्ट बोले थे उसके जस्ट पीछे आ जाइए और उसी ऑर्डर में घूमिए, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इन चारों में z मेरा क्या है, माइनस में है और बाकी ऑर्डर्स इसके जैसा ही है। तो ये जो पूरे स्पेस को आठ भागों में डिवाइड किया है उसे हम लोग कहेंगे x, y एंड z एक्सिस डिवाइड्स अ स्पेस इंटू 8 पार्ट्स कॉल्ड ऑक्टेंट, कॉल्ड ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो हम ऐसे बनाते हैं, ये एक्स वाई जेड का साइन है या फिर यहाँ पर हम ऑक्टेंट लिखते हैं, ऑक्टेंट का नंबर है और यहाँ पर एक्स वाई जेड का साइन रहेगा। तो जब हम फर्स्ट ऑक्टेंट लेंगे तो प्लस प्लस, पहले चारों में जेड मेरा प्लस था, फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। सेकंड ऑक्टेंट में देखिए माइनस प्लस और जेड वाला प्लस में है।
थर्ड ऑक्टेंट में देखिए माइनस माइनस और जेड वाला प्लस में है। फोर्थ में देखिए प्लस माइनस और जेड वाला प्लस में है। तो ये चारों आपके जेड पॉजिटिव है, बाकी ऑर्डर इसी प्रकार से रोटेट हुआ है, सो आपको मेमोराइज करने में आसानी होगा। अब आप और आगे बढ़िए, ठीक है। फाइव फाइव आपका प्लस प्लस और जेड वाला माइनस में है, ये फर्स्ट के बराबरी कर रहा है। सिक्स सेकंड के जस्ट पीछे है, सो माइनस प्लस और जेड वाला माइनस में। सेवन किसके पीछे है, थर्ड के पीछे है, तो ये माइनस माइनस और जेड वाला माइनस में। एट्थ में देखिए फोर्थ के पीछे है, सो प्लस माइनस और माइनस जेड वाला है, ठीक है। आप इसको फिर से समझिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया है और ये मेरे को अब जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसने पूरे स्पेस को एट पार्ट्स में डिवाइड किए, आठ भागों में बांटा है, इसलिए प्रत्येक पार्ट मेरा ऑक्टेंट कहलाएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इन सभी में जेड मेरा प्लस है। देन फर्स्ट के जस्ट अपोजिट फाइव सिक्स सेवन एट, इन सभी में जेड मेरा माइनस है। ये अगर ध्यान रखेगा तो आपको ये तुरंत आ जाएगा। अब हम लोग एक देखते हैं एग्जाम्पल्स, थ्री कॉमा माइनस टू कॉमा सेवन किस ऑक्टेंट में होगा। तो किस ऑक्टेंट में होगा देखते हैं, प्लस माइनस चौथा ऑक्टेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है, जेड प्लस में है तो क्वाड्रेंट ही मेरा ऑक्टेंट बनेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, माइनस टू कॉमा वन कॉमा माइनस फाइव, इसको देखते हैं। माइनस प्लस, माइनस प्लस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है और जेड माइनस में है, तो सेकंड के पीछे में जाएंगे तो टू प्लस फोर सिक्स, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में है। हम और लेते हैं, माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, माइनस कॉमा माइनस, ये मेरे को क्वाड्रेंट कौन सा देगा, थर्ड, और जेड माइनस में होने का मतलब उसके पीछे जाना है, तो थ्री प्लस फोर कितना हुआ, सेवेंथ, सेवेंथ ऑक्टेंट, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते ही हम बता सके कि वो किस ऑक्टेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्पेशल प्लेन का और स्पेशल लाइन का इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज जेड बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज एक्स बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन इज वाई बराबर जीरो। आप इसे ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो लिखे हैं उसके अलावा सब जीरो होगा। जब हमने इक्वेशन लिख दिया तो यहां पर आता है फूट ऑफ परपेंडिकुलर, फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई प्लेन इज
एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन वाई जेड प्लेन क्या होगा? वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो है तो जीरो वाई जेड, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन जेड एक्स प्लेन ये क्या होगा? एक्स जीरो जेड, ठीक है। ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ ही आता है अपना इमेज। इमेज ऑफ पॉइंट पी ऑन इन एक्स वाई प्लेन इज, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट पी का इमेज, तो ये हमारा होगा एक्स वाई माइनस जेड। इमेज ऑफ पॉइंट पी इन वाई जेड प्लेन क्या होगा? वाई जेड प्लेन में माइनस एक्स वाई जेड, एंड इमेज ऑफ पॉइंट पी इन जेड एक्स प्लेन इज एक्स माइनस वाई जेड। आप इसे ध्यान से देखिए, एक्चुअली में इसने किया क्या, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड जीरो है, तो जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिए तो मेरा जेड जीरो हो गया, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज है इसके पास। इमेज के समय जो जेड वाला जीरो हुआ था, जेड वाला जो जीरो हुआ था वो मेरे को माइनस जेड हुआ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में जेड जीरो हुआ और इमेज में जेड माइनस जेड हुआ है, बाकी एक्स वाई एज इट इज है। अगर ये चीज आप ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी पॉइंट का इन तीन स्पेशल प्लेन के अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्लेन का देख चुके हैं तो अब हम लोग एक्सिस के अबाउट देखेंगे। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं। वाई बराबर जेड बराबर जीरो, ये हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन जेड बराबर एक्स बराबर जीरो होगा, एंड जेड एक्सिस का एक्स बराबर वाई बराबर जीरो होगा, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे होगा एक्स जीरो जीरो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे जीरो वाई जीरो, जेड एक्सिस पे जीरो जीरो जेड, ठीक है। तो इमेज ऑफ पॉइंट पी इन आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में इमेज क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस में इमेज होगा माइनस एक्स, एक मिनट, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आपका वाई एक्सिस पे इमेज होगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड, एंड जेड एक्सिस के अबाउट होगा माइनस एक्स माइनस वाई जेड, माइनस एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। तो इमेज ऑफ पॉइंट पी अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट पॉइंट पी का इमेज क्या होगा आपका? वो होगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग इस पे एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी थ्री कॉमा माइनस वन कॉमा टू अबाउट
एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए आप हमें बताइए, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के अबाउट होगा 300। इसी प्रकार से अगर हम पूछे जेड एक्सिस, ठीक है, तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 002, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के अबाउट हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बराबर जीरो, तो वो एक्स जीरो होगा, वाई एंड जेड हमें दिखाई देगा। अगर हमसे पूछा जाता एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड बराबर जीरो होता है, तो जेड वाला जीरो करेंगे, एक्स और वाई हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन हो सकता है इमेज ऑफ पॉइंट पी 3, -1, 2 एबॉट, ठीक है। तो एबॉट में हम लोग वाई एक्सिस के एबॉट इमेज देखते हैं, तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर जेड बराबर जीरो, तो ये दोनों चेंज होंगे, -3, -2, वाई एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जेड एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, Z एज इट इज रहेगा और X और Y का साइन आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एक्स वाई प्लेन के अबाउट इमेज क्या होगा, तो Z आपका चेंज करेगा, Z बराबर जीरो होता है, Z आपका चेंज किया, बाकी एज इट इज रहेंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन के अबाउट आपका क्या होगा, आपका सारा का सारा चेंज करना होगा, ठीक है, आपका सारा का सारा चेंज करना होगा। यहां से अब तक आपको यह एहसास हो चुका होगा कि 2D में जो भी काम हम लोग किए थे लगभग सारा एज इट इज यहां आ रहा है। 2D में एक ओरिजिन शिफ्टिंग किए थे, क्या था ओरिजिन शिफ्टिंग, ओरिजिन शिफ्टेड टू पॉइंट H, K, देन ओल्ड पॉइंट, ओल्ड कोऑर्डिनेट X, Y becomes new capital X capital Y such that a small s is equal to capital X plus H, small y is equal to capital Y plus K। इस तरह का ओरिजिन शिफ्टिंग हम लोग देखे थे विदाउट एक्सिस रोटेशंस, ठीक है। तो हम लोग इसको इस क्वेश्चन में कैसे ला सकते हैं, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट 2, -3, 5 देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 149 का न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे,
हम कहेंगे लेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी कैपिटल एक्स वाई जेड। तो यहां पर ओल्ड वाला वन है, कैपिटल एक्स न्यू है एंड ये शिफ्टिंग है, हमें एक्स की जगह माइनस वन आया। ओल्ड है फोर, न्यू कैपिटल वाई शिफ्ट हुआ है माइनस थ्री पे, सो कैपिटल वाई सेवेन। ओल्ड है नाइन, न्यू है कैपिटल जेड शिफ्ट हुआ है प्लस फाइव पे, तो हमारा जेड हो गया है फोर। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर माइनस वन सेवेन फोर होगा। ठीक है, तो आपको सारा चीज कहां से आ रहा है, 2D से आ रहा है जो 3D में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट थ्योरी है डिस्टेंस फार्मूला। हमने 2D में क्या किया था, ए एंड बी दो पॉइंट थे, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 था, तो इनके बीच का डिस्टेंस ए बी क्या आया था, अंडर रूट x2 - x1 का हाल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा 2D में डिस्टेंस फार्मूला था। अब हम 3D में आ चुके हैं, तो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट z1 होगा, z2 होगा और यहाँ पर हुआ z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्पेशल केस में क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी x, y, z फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए हमें एक्स एक्सिस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ध्यान करना होगा। एक्स एक्सिस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना था, x 0 0, तो x 0 0 और इसके बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालिएगा तो x x कट गया, y - 0 y, z - 0 z, से बनेगा आपका अंडर रूट y² + z²। इसी प्रकार से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज अंडर रूट z² + x² डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस विल बी x² + y² पॉइंट पी का डिस्टेंस xy प्लेन से निकालेंगे तो इसका xy प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। xy प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बताए थे, x, y, 0, तो xy तो कैंसिल हो जाएगा z - 0 z, सो ये रूट z² है जिसको ऑफ ओपन करेंगे तो ये मॉड z हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम yz प्लेन क्या हो जाएगा आपका, मॉड x। zx प्लेन में क्या हो जाएगा, मॉड y। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगा, अंडर रूट x² + y² + z². इसके अलावा जो भी आपने 2D में डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे वो सारे यहाँ भी अप्लाई होंगे, हम उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको ले रहे हैं।
हम लोग एक पॉइंट लेते हैं 3, -1, -2, ठीक है, और इस पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट जानना चाहेंगे तो कितना होगा हमारा, एक्स एक्सिस के अबाउट जानना होंगे चाहेंगे तो √-1² + -2² 4 और 1 = 5 होगा। अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट जानना चाहेंगे तो क्या होगा, √z² + x² 9, 4, 13 √30। अगर हम एक्स वाई प्लेन के अबाउट जानना चाहेंगे तो मॉड z, z एक्स प्लेन के अबाउट जानना चाहेंगे तो मॉड y, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट हम जानना चाहेंगे तो √3² + -1² - 2² 9, 1, 10, 4, 14 √14। समझ रहे हैं आप? तो हम लोग काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड ए इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज 5। तो हम लोग कैसे काम करेंगे, इसे पॉइंट ए मानेंगे और इसे पॉइंट बी मानेंगे और हम लोग प्रोसीड करेंगे AB = 5। अब कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड में हुआ a - -3² + -8 - 5² + 4 - 4² = 25। तो आप देखिए ये आपका a + 3² हो गया, -8 + 5 - 3² ये आपका कैंसिल होके 0 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, a + 3² + 9 = 25, a + 3² = 16, ये 9 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 16 आपका 4² है। स्क्वायरिंग दोनों तरफ से आप हटाइएगा तो 2 केसेज अराइज होंगे, प्लस और माइनस, प्लस 4 रहने पे ये 1 देगा, माइनस 4 रहने पे ये -7 देगा, इसके 2 पॉसिबल केसेज हुए आपके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट अपना है जीरो टू थ्री एंड दूसरा पॉइंट है 2, -2, 1। देख लीजिए आप, तो इक्विडिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे लेट पॉइंट बी capital P x, y, z। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी होता है, तो ए और बी दोनों से बराबर दूरी पर है तो मेरा AP = BP हो गया। अंडर रूट से बचने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका x² + y - 2² + z - 3² ये आपका AP² हो गया। सिमिलरली BP² हुआ x - 2² + y - -+² +
जेड माइनस वन का स्क्वायर। आप इसे एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन। कुछ कैंसिल होता है तो काटना होगा, दैट जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर जेड स्क्वायर, और कुछ कैंसिल हो रहा है अभी दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, सबको लेफ्ट में लाते हैं, ये लेफ्ट में आएगा 4x, y में देखिए आप माइनस फोर वाई और प्लस फोर वाई इधर आएगा तो माइनस एट वाई, जेड में देखिए माइनस टू जेड जब इधर आ जाएगा तो माइनस फोर जेड बचा। अब कांस्टेंट में देखिए ये नाइन है आपका, फोर प्लस वन फाइव, फाइव यहाँ सब्ट्रैक्ट करेगा तो फोर बचा, फोर कॉमन ले लीजिएगा तो आपको x माइनस टू आई माइनस जेड प्लस वन बराबर जीरो दिखाई दिया, वहाँ जीरो है तो फोर को गायब कर लीजिए, तो ये आपका लोकस ऑफ पॉइंट P आया है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन हो गया है, ठीक है। देखिए हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं कि तीन पॉइंट गिवेन है तो हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन तीनों पॉइंट को नामकरण करेंगे ए बी सी। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी, तो ये कितना हो गया, वन माइनस वन में वन माइनस वन करेंगे तो प्लस वन हो गया, टू में करेंगे तो ये भी प्लस हुआ, थ्री में करेंगे तो ये भी प्लस हो गया, तो ये आपको कितना हुआ, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन एंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस और चार उनतीस, रूट ट्वेंटी नाइन। इसी प्रकार से बी सी को निकालेंगे, बी सी को आप देखिए माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस सेवन का होल स्क्वायर, ये कितना होगा चेक करते हैं, फोर सिक्सटीन हो गया, सिक्स का थर्टी सिक्स एंड एट का सिक्सटी फोर, तो ये आपको कितना हो गया है, चौंसठ छत्तीस सौ और सोलह, एक सौ सोलह, एक सौ सोलह में 29 इंटू फोर है, ये आप ध्यान दीजिए 29 इंटू फोर है, सो हम इसे 2 इंटू रूट 29 लिख सकते हैं, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट सी ए कैलकुलेट करेंगे, सी ए में देखिए आप 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपको कितना देगा, 2 के बदले 4, 3 का 9 एंड 4 का 16, 16 9 25 4 29। आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, ए बी और ए सी बराबर है आपका, और बी सी रूट 29 सब में है, तो हम कह सकते हैं क्लियरली ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज अगर हम फोटो बनाना चाहें तो मेरा क्या होगा, बी ए सी, इस प्रकार का फोटो बनेगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो पॉइंट्स बी ए सी आर कोलिनियर, ये हमें
साफ तौर पे बताया कि डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग कोलिनियर चेक कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसे पॉइंट का आप लोकस निकालिए जिसके डिस्टेंस का समेशन इन दोनों पॉइंट से कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए। सबसे पहले तो लोकस है तो हमें ये पॉइंट मानना पड़ेगा, लेट मूविंग पॉइंट बी कैपिटल पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसके बाद समेशन हमें कांस्टेंट दिया हुआ है लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज 2a, ये भी हमने सपोज किया है। आप कहेंगे 2a ही क्यों, तो हम कहेंगे आपको ऐसा क्वेश्चंस 2D में जब काम कर रहे थे तो इलिप्स का याद होगा PF1 प्लस PF2 बराबर 2A आया था, तो काफ़ी अच्छा आया था, डिवाइड वाइड नहीं आया था, पॉइंट्स भी लगभग ऐसा ही है। वहाँ AE,0 माइनस AE,0 होता था, यहाँ भी एक में माइनस अल्फा एक में प्लस अल्फा, बाकी सब जीरो है, तो मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन से सो हम ट्वाइस लगा के ही एक ही बार चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो एपी हमारे पास क्या होगा, देखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस होने के कारण ये जेड प्लस अल्फा लिखा जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का हाल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों अंडर रूट एक साइड में रख के स्क्वायर नहीं किए जाते, किसी एक को हमें दूसरी तरफ भेजना है, तो हम इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस अल्फा का हाल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए तो आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2z अल्फा, इसका एक्सपेंड किए हैं, यहां पर स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका एक्सपेंशन जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा माइनस 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दैट्स इट, और कैंसिल्स नहीं हो रहे, रूट को एक तरफ करते हैं तो 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये वाला आपको इधर आ जाएगा तो ये माइनस 4z अल्फा। आप इसमें देखिए आपका ये 4 कैंसिल हो गया, सब जगह मौजूद है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा। यहां पर देखिए a4 प्लस जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर जेड अल्फा। आप देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है,
ए स्क्वायर इंटू टू जेड अल्फा, ए स्क्वायर इंटू टू जेड अल्फा, और वो भी दोनों माइनस में है। और कुछ कैंसिल होता हुआ हमें तो नहीं दिख रहा, जो बचा है उसको यहां पर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर एक बार है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी एक बार है, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर दो जगह पे है तो जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट ए स्क्वायर यहां पर है ए फोर, और ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन होके ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। अब इस पूरे क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कैसा आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कुछ इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा कि जब टू डायमेंशन में ऐसा क्वेश्चंस बनाए थे तो इलिप्स का इक्वेशंस आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, आपको 2D में ध्यान होगा कि ए और बी दो पॉइंट होते हैं, इनका कोऑर्डिनेट गिवन होता है, कोई पॉइंट पी इसे एम इज टू एन रेशियो में इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा हो, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन इंटरनल, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते थे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ऐसे ही वाई में होता था एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो 3D में होने के कारण Z में भी बिल्कुल ऐसा होगा, एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक्सटर्नल डिवीजन अगर आपको ध्यान होगा तो वो इनके बाहर होता था, पॉइंट क्यू ये एम है और ये एन होता था, सो ए क्यू बाई क्यू बी एम इज टू एन। एक्सटर्नल डिविजन्स अगर आप लेते हैं तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आपको ध्यान होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन। थ्री डी के कारण जेड में भी होगा, एम जेड टू माइनस एन जेड वन बाई एम माइनस एन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान आ रहा होगा कि 2D में किस प्रकार से हमारे सेक्शन फार्मूले गिवेन थे, ऐसा ही कुछ हमारा 3D में आते जा रहा है। हम इसको और एलाबोरेट करेंगे, अगर मेरे पास दो पॉइंट ए एंड बी है, एक का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है, दूसरे का एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो इनका मिड पॉइंट्स मिडिल पॉइंट भी लोग बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिडिल पॉइंट एम किस प्रकार से आप दीजिएगा, आपको वहां पर ध्यान होगा वन इज टू वन रेशियो हुआ था
और ये x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू एंड z1 प्लस z2 बाई टू बना था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ट्रायंगल में अगर बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 है। तो इसका सेंट्रोइड आपको G नाम से मिला था और इस G का कोऑर्डिनेट क्या दिया था आपने, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री, ये था 2D में। अब जब आप 3D में आ गए तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई थ्री ये हो जाएगा। इसी फिगर में अगर आप साइड लेंथ ए बी सी भी मेंशन करते हैं तो आपको इन सेंटर आई क्या था, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी दिया था, और वाई में था ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और जेड में बनेगा ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। आप समझ रहे हैं सब चीज। इसी प्रकार से हम लोग एक टेट्राहेड्रन लेते हैं, टेट्राहेड्रन क्या था, बेस हमारा ट्रायंगल था और ऊपर में एक पॉइंट था जिसे हम लोग इस तरह से 3D में शो करते हैं, ए बी सी एंड ये डी। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। तो इनका सेंट्रोइड हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, दैट इज सम डिवाइडेड बाई 4। ये x में है, y में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4 एंड z में z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, तीन पॉइंट गिवेन है, हमें बताना है कि पॉइंट सी लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फोटो बनाएंगे जिसमें इंटेंशनली ए और बी को कॉर्नर में रखेंगे और सी को बीच में रखेंगे, और रेशियो हम लोग लैम्डा इज टू वन लेंगे। हमारा पॉइंट है ए टू कॉमा थ्री कॉमा फोर और बी है माइनस फोर वन कॉमा माइनस टेन। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट माइनस फोर लैम्डा प्लस टू अपॉन लैम्डा प्लस वन कॉमा लैम्डा प्लस थ्री अपॉन लैम्डा प्लस वन कॉमा माइनस टेन लैम्डा अपॉन
लैम्डा प्लस वन हो रहा है, जबकि हमारा गिवन क्या है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट माइनस वन टू माइनस थ्री था, तो ये सी बनेगा हमारा माइनस लैम्डा प्लस टू बाई लैम्डा प्लस वन, टू लैम्डा प्लस थ्री बाई लैम्डा प्लस वन एंड माइनस थ्री लैम्डा प्लस फोर बाई लैम्डा प्लस वन। अब आप पॉइंट सी को कोई एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कीजिए, जैसे कि हम एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर रहे हैं माइनस लैम्डा प्लस टू बाई लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस फोर, इसे आप सॉल्व कीजिए, ये इधर आएगा तो थ्री लैम्डा, ये यहां गया तो माइनस टू, लैम्डा आपका माइनस टू बाई थ्री आया है, ठीक है। अब आप वाई और जेड को चेक कीजिए, चेक वाई कोऑर्डिनेट आपको कितना आ रहा है, यहां है टू लैम्डा प्लस थ्री अपॉन लैम्डा प्लस वन, इसमें आप लैम्डा का ये वैल्यू पुट कीजिए, टू इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस थ्री अपॉन माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, तो ये नौ में से चार गया फाइव बाई थ्री अपॉन, तीन में से दो गया एक वन बाई थ्री, कैंसिल होके आपको फाइव आया है, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका मैच नहीं किया, वाई कोऑर्डिनेट आपका मैच नहीं किया है, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होगा, सो नॉट कोलिनियर। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, यहां पर देखिए आप, ये टू जब इधर जाएगा तो माइनस फोर माइनस टू आपका माइनस सिक्स होगा, तो लैम्डा आपका माइनस टू बनेगा, उस हिसाब से यहां पर अगर हम देखें तो टू इंटू लैम्डा का वैल्यू माइनस टू प्लस थ्री अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन एंड ये माइनस वन वन, वाई आपका काम कर रहा है सही से। अब आप जेड को चेक कर लीजिए, माइनस थ्री लैम्डा प्लस फोर बाई लैम्डा प्लस वन, लैम्डा का वैल्यू आप माइनस टू पुट कीजिए, सिक्स प्लस फोर टेन बाई माइनस वन माइनस टेन, तो आपका सारा चीज मैच कर चुका है, सो हम कह सकते हैं सो पॉइंट्स आर या गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है, तो ये जो हमारा रेशियो आया है ये भी सही है, सो रेशियो इज टू इज टू वन, बट ये निगेटिव है इसलिए हम इसे एक्सटर्नल कहेंगे, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का हमें लेंथ निकालना है, सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर बनानी चाहिए, ए बी सी, ये पॉइंट डी है जो इसको इंटरनली बाइसेक्ट किया है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का थ्योरी आपको 2D में ध्यान होगा, कुछ इस प्रकार का था, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, तो सबसे पहले आपको ए बी और ए सी निकालने हैं, तो हम ए बी निकालेंगे, कोऑर्डिनेट सामने हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन फोर का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस
जेड टू माइनस जेड वन का हाल स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर। ए सी देखिए आप ए सी 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 6 माइनस 2 4 स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर आपको ए बी कितना हो चुका है देखिए 16 प्लस 25 प्लस 9 और आपको ए सी कितना है 1 प्लस 1 प्लस 16। 16 9 25 25 25 50 50 का आप 5√2 लिख सकते हैं 112.16 18 18 का आप 9 × 2 3√2 लिखेंगे सो √2 कैंसिल होके ये 5:3 हो गया। तो ये आपका 5 है ये आपका 3 है b को लिखिए 1 − 1 3 एंड c को लिखिए 4 3 2 a है 5 4 6। तो आप पॉइंट डी सेक्शन फॉर्मूला से निकालिए 5 × 4 20 + 3 × 1 3 / 5 + 3 8 5 × 3 15 − 3 × 1 / 5 + 3 8 5 × 2 10 3 × 3 9 / 8। तो ये आपको कितना बना देखिए 23/8, 12/8, 19/8 ये आपको पॉइंट्स बने हैं। अब आप लेंथ AD निकालिए AD आपका कितना बनेगा 5 − 23/8 2 − 12/8 2 − 19/8 2। इसमें कैलकुलेशंस करना है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फाइनल कैलकुलेशंस करके आपको √1530/8 आएगा ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दो पॉइंट से प्लेन ड्रा करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और इस प्रकार से बनेंगे हमारे पैरेललोपाइप तो उसका लेंथ ऑफ एज निकालना है। देखिए हम आपको एक रफली बताते हैं ये पॉइंट 1 2 3 है और ये पॉइंट 3 − 4 − 5 है। आप एक्स एक्सिस के अलोंग इससे रे निकालिए और इससे एक्स एक्सिस के अलोंग रे निकालिए वाई एक्सिस के अलोंग इस दोनों से रे निकालिए आप एंड जेड एक्सिस के अलोंग भी इन दोनों से आपको रे निकालना है इस प्रकार से। तो आपको एक पैरेललोपाइप बनता दिखाई दे रहा है तो अब आप एजेज निकालिए तो एजेज आपको क्या होगा दोनों एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा एक्स एक्सिस नहीं कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन के पैरेलल आपको प्लेन ड्रा होगा। तो आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो होगा एजेज एलोंग एक्स वाई प्लेन ये होगा आपको कितना जेड का डिफरेंस मॉड ऑफ 3 − −5 ये आपको 8 देगा। आप वाई जेड प्लेन के अलोंग देखिएगा तो एक्स वाले का डिफरेंस और अगर आप जेड एक्स प्लेन के अलोंग देखिएगा तो आपको वाई वाले का डिफरेंस दिखाई देगा और ये आपका फाइनल आंसर बनेगा।
हम लोग एक और क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास चार पॉइंट पी क्यू आर एस गिवेन है, हमें लाइन पी क्यू एंड आर एस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर वो इंटरसेक्ट करे, ये क्यों किया, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा दैट मीन्स 3D में दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। एनीवे हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोटो बनाएंगे पॉइंट पी 4, 7, 8 एंड पॉइंट क्यू -1, -2, 1 पॉइंट आर 2, 3, 4 एंड पॉइंट एस 1, 2, 5। ये दोनों मान लिया कि कट किए हैं पॉइंट ए पे, पी क्यू को लैम्डा इज टू 1 रेशियो में कट किया और आर एस को म्यू इज टू 1 रेशियो में। तो पॉइंट ए पी क्यू से अगर हम देते हैं पी क्यू की तरफ से, तो पॉइंट ए क्या होगा, -λ+4/λ+1 -2λ+7/λ+1 λ+8/λ+1। इसी प्रकार से लाइन आर एस की तरफ से भी पॉइंट ए आएगा, वो क्या होगा μ+2/μ+1 2μ+1/μ+1 5μ+2μ+3 होगा 5μ+4/μ+1। अब हमारे पास पॉइंट ए दो तरह से आया है, जबकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए ए दोनों से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ए दोनों से सेम होना चाहिए, तो हम उसका कैलकुलेशंस करेंगे। इफ इंटरसेक्ट बोथ ए मस्ट बी सेम, दोनों ए सेम होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट मैच करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब मैच करेंगे तो -λ+4/λ+1 इज इक्वल टू μ+2/μ+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -λ μ -λ+4μ+4 इज इक्वल टू λμ+2λ+μ+2। हम राइट साइड में क्या लिखेंगे, 2λμ+3λ-3μ-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग y के अलोंग काम करेंगे, -2λ+7/λ+1 इज इक्वल टू 2μ+3/μ+1। इनको देखिए, -2λμ-2λ+7μ+7 इज इक्वल टू 2μλ+3λ+2μ+3। सब कुछ राइट में लिखिएगा, आपको 4λμ
प्लस 5 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। अभी तक आपके पास दो इक्वेशंस, दो अननोन हैं, देखिए लैम्डा माइनस म्यू 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल, लैम्डा म्यू माइनस 1 2 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। आप ऐसा कीजिए 1 × 2 में आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4 ये कैंसिल हो गया, 6 में 1 गया लैम्डा, माइनस 3 म्यू माइनस 6 म्यू में माइनस 5 म्यू घटाएंगे तो माइनस म्यू, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से लैम्डा बराबर म्यू मिला। एक बार लैम्डा बराबर म्यू मिल गया तो आप वापस से इसमें आइए फर्स्ट में, तो 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आपको ये कैंसिल्स हो गया। सो 2 लैम्डा स्क्वायर आपके पास 2 है तो लैम्डा का वैल्यू 1 और माइनस 1 दो पॉसिबिलिटीज है, जो लैम्डा है वही म्यू भी होगा। अब हम लोग जेड को देखते हैं, जेड को देखेंगे लेकिन किससे, लैम्डा बराबर म्यू बराबर 1 ले रख के देखते हैं। PQ से जो ए आ रहा है वो कितना है, देखिए 1 रखेंगे तो 1 प्लस 8 9 एंड यहां पर 1 प्लस 1 2 एंड RS से जो आएगा A उसको देख लेते हैं, 5 प्लस 4 9 और यहां पर 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में होने के कारण माइनस 1 हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे सो इंटरसेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया है वो देखिए, 1 रखिएगा तो 3/2 5/2 एंड 9/2 ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड रेशियो इन विच प्लेन डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। ऐसा क्वेश्चन 2D में था जब दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन कट करता था। हम लोग फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, डिराइवेशन से काम चलाएंगे, पहले को ए दूसरे को हम बी मानेंगे, तो पॉइंट ए पॉइंट बी इनके कोऑर्डिनेट्स 1-5, 7, मान लिया कि इस तरह से प्लेन ने इसे कट किया पॉइंट पी पे लैम्डा इज टू 1 रेशियो में, तो पॉइंट पी हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 0 बाय लैम्डा प्लस 1 7 लैम्डा माइनस 3 बाय लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है पॉइंट पी लाइज ऑन प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, सो इसे सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं ये 1 है, माइनस 5 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1
ये 7 लैम्डा माइनस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आप एलसीएम लीजिए लैम्डा प्लस 1 तो 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 15 लैम्डा प्लस 35 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा कितना हो गया, 35 लैम्डा में 15 गया, 20 प्लस 2 22 लैम्डा, कांस्टेंट में 2 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो लैम्डा प्लस 1 बना, ये लैम्डा यहां आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करके 21 लैम्डा, और ये इधर जाएगा तो 40, 7 से इसे काटा जा सकता है तो लैम्डा अपना 2/3 हो गया। सो रेशियो इज 2:3 इंटरनली। तो इस तरह से हमने बेसिक पार्ट ऑफ 3D कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन इन 3D। थैंक यू।